में कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागम। पिता ईश्वर ने धन्य कुंवारी मरियम को अपने पुत्र मसीह के मां बनने के लिए उनके जन्म की शुरुआत से पवित्र बनाए रखा। मरियम के जीवन के शुरुआत में ही ईश्वर ने उन्हें पवित्र गर्भागमन का वरदान प्रदान किया। जोवाकिम और अन्ना के संतान के रूप में एक साधारण परिवार में एक साधारण रूप से मां मरियम का गर्भागमन हो, ईश्वर ने खुद अपने मां को चुन लिया। सृष्टिकर्ता होने के नाते उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसमें न कोई पाप है न किसी भी तरह के मैल है। कुछ लोग निष्कलंक गर्भागमन से समझते हैं कि मां मरियम के कोख में ईसा मसीह का गर्भधारण अथवा मां मरियम के गर्भागमन में पवित्र आत्मा की शक्ति का प्रकटीकरण, जबकि धन्य कुमारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन से मतलब ये नहीं है, बल्कि यह है कि मरियम जब अन्ना के गर्भ में पैदा हुई तब वो आदि पाप से और हर तरह के मैल से दूर थी और पवित्र थी। ईश्वर की विशेष कृपा से मां मरियम हर पाप से और भ्रष्ट मानव प्रकृति से विमुक्त थी। स्वर्गदूत ने जब ईसा मसीह के जन्म के बारे में मां मरियम को संदेश देने आया तो उसने मां मरियम को संबोधित किया कृपापूर्ण। इस कृपापूर्ण शब्द से मतलब है कि वो व्यक्ति जिसमें ईश्वर की कृपाएं परिपूर्णता में है और जिसमें किसी भी तरह के पाप ना हो। मां मरियम के निष्कलंक गर्भागमन को इसलिए इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है क्योंकि वो मानवीय इतिहास के एक आधारभूत तत्व है। 1854 में संत पिता पीयूष 9वें ने मां मरियम के निष्कलंक गर्भागमन को एक औपचारिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दिया। मां मरियम का पवित्र जीवन हर एक विश्वासी के लिए एक उत्तम उदाहरण है। आज के दिन ब्राजील, कोरिया, फिलीपींस, स्पेन एवं अमेरिका अपने सरशिका संत के पर्व मनाते हैं। एक व्यक्ति जो अपने जीवन के शुरुआत से चुने जाते हैं ईश्वर के द्वारा, पवित्र किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, वो हर तरह के पाप से अलग रहते हैं। मैं और आप इस तरह अपने जीवन के शुरुआत से ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। हमें चाहिए कि जो पवित्रता हमें प्रदान किया गया है बपतिस्मा के दौरान और अन्य संस्कारों के दौरान हमें जो पवित्रता प्राप्त है, उस पवित्रता को अपने मरण के समय तक हम बनाए रखें।